अपराधियों का वीडियो वायरल कर प्रशासन को जागरूक करने वाले पत्रकार पर हमला। कुछ दिन पहले वायरल वीडियो में इंदौर और सावर की बार बालाएं शासकीय प्राथमिक विद्यालय में डांस कर रही है। ये वीडियो अय्याशी मुकेश चौहान ने किसी दोस्तों के जन्मदिन पर करवाई थी। वायरल वीडियो जिसका वीडियो श्याम पटेल ने वायरल कर पुलिस प्रशासन और कानून को जागरूक करवाया था, तो जिसका बदला लेने के लिए श्याम पटेल पर कल रात तकरीबन 9 बजे धार धार हथियारों से मुकेश चौहान, कालू कुशवा, पप्पू कुशवा और दो अज्ञात साथियों ने मिलकर हमला कर दिया और मोटर बाइक को भी तोड़फोड़ की गई और आगे जान से मारने की धमकी दी है। जी, मैं उज्जैन से घर जा रहा था, अपना गाँव खलाना कवरेज करके उज्जैन से, जिसके बाद खलाना में काकड़ पे मुझे 3 व्यक्तियों ने रोका, मुकेश चौहान, पप्पू कुशवा, कालू कुशवा, और उन्होंने बेदौड़ हमला कर दिया। हमले में मेरी गाड़ी भी फोड़ दी उन्होंने और मुझे मारा पीटा और मुझे चाकू से हमला किया। फिलहाल अपराधियों पर प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश चौहान हमेशा शासकीय विद्यालय में ही कार्यक्रम करवाता है, जिससे लगभग 1 साल के अंदर तक 4 वीडियो सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि सरपंच ने आगे अपने अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं किया और लगातार शासकीय स्कूल बार बालाओं अय्याशियों का अड्डा बना रहा। विद्यालय के प्रिंसिपल से विद्यालय की चाबी अय्याशियों के पास कैसे चली गई? ASP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि संज्ञान घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उचित दंड के साथ कार्रवाई होगी। अंतर्गत जो एक स्कूल है, शासकीय गवर्नमेंट स्कूल है, और स्कूल को लेकर के एक वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें पुलिस ने ये प्रारंभिक रूप से जांच की गई है। उसमें ये पाया गया कि वो जो कार्यक्रम है वो बिना अनुमति कराए गए, इसको लेकर एक मामले में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। अभी उसी को लेकर कल कोई बात ये आई थी, एक लड़की को एक उसमें बातचीत हुई है और उसमें इस आधार पर एक FIR इसी बात के लिए की गई कि कोई इसमें आशंका है, कोई वीडियो वायरल करने में कोई भूमिका है, उसको लेकर भी पुलिस ने FIR की है और उसमें उसके तथ्यों तक पहुंचा जा रहा है। उसमें पड़ताल की जा रही है कि वास्तव में इसके पीछे मोटिव क्या है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सर, लगातार जैसे कि वीडियो वायरल होते जा रहा है, इसमें जो स्कूल है उसमें वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको भी कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। हम लोग भी पुलिस की तरफ से उनको लिखें कि ये पूरा उसमें क्लियर उसमें इंक्वायरी की जाए और जो दोषी है उनको कार्रवाई की जाए। ठीक है।